हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। फ्लैक्स मशीन से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखा है। यदि अभी तक आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब भी हम अपने फ्लैक्स मशीन में ब्लैक कलर का प्रिंट करते हैं, जब भी हमारा प्रिंट आता है और उसमें जो ब्लैक कलर होता है तो वो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेज आता है। हम हेड क्लीन भी करते हैं फिर भी हमारा ब्लैक कलर ढंग से चल नहीं पाता है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि हम ब्लैक कलर को सही कैसे कर सकते हैं ताकि वो बार बार ब्लॉकेज ना आए, हम उसको अच्छी तरीके से कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता हूँ कि ब्लैक कलर सिर्फ हमारी मशीन में नहीं, आपकी मशीन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ऐसी पार्टी आती है जिन्होंने खुद फ्लैक्स मशीन लगा रखा है और वो प्रॉपर ब्लैक कलर का जो प्रिंट होता है वो हमारे यहाँ निकालने के लिए आते हैं, लेकिन हमारी मशीन में भी जो है ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेज करता है। तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पर आपको एक वीडियो भी दिख रहा होगा, आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं कि हमारा ब्लैक कलर का प्रिंट हो रहा है और ये जो हमारा ये प्रिंट हो रहा है ये हमारा बैकलिट है और इस बैकलिट को मैं जो हूँ 12 पास पे चला रहा हूँ। और इसमें आपको देख रहा है, आपको यहाँ पे साइड में एक पट्टी भी दिख रहा होगा और ये पट्टी मैंने किस लिए जोड़ रखा है मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। यहाँ आपको साइड में दिख रहा होगा कि हमारा ब्लैक कलर प्रॉपर ब्लैक निकल रहा है और यहाँ साइड में मैंने एक छोटा सा पट्टी जोड़ रखा है। ये जो हमारा पट्टी है ये कोई प्रिंट नहीं है, ये हमारा वेस्टेज प्रिंट है और मैंने इस फ्लैक्स में इसलिए इसको जोड़ रखा ताकि हमारा जो ये प्रिंट है ब्लैक कलर का ये प्रॉपर तरीके से निकल जाए। क्योंकि यदि हम सिंगल ब्लैक कलर को निकालना चाहते हैं, सिंगल ब्लैक प्रिंट को निकालना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं निकल पाता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मैं जो अभी बैकलिट प्रिंट कर रहा हूँ ये 12 पास पे मैं अपना बैकलिट को चला रहा हूँ और 12 पास पे इसलिए चला रहा हूँ ताकि जो है हमारा जो ब्लैक कलर है वो प्रॉपर तरीके से चले और बीच में कहीं भी रुके ना लाइन आए। लेकिन फिर भी 12 पास पे भी जो है हमारा ब्लैक कलर रुक जाता है और कई बार हमारा प्रिंट भी ख़राब हो जाता है। तो इस कारण से मैंने साइड में एक पट्टी जोड़ रखा है जो कि दूसरे कलर का है। यदि आप सिंगल ब्लैक कलर को चलाते हो तो आपका ब्लैक कलर प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाता है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। या तो हो सकता है कि आप जब ब्लैक कलर चलाओगे तो कभी बीच में हो सकता है ब्लैक कलर रुक जाए, या फिर कभी प्रिंट के लास्ट में रुक जाए, या कभी प्रिंट के पहले ही रुक जाए, लेकिन आपका ब्लैक कलर रुक जरूर जाता है। तो इस कारण से मैंने इसको 12 पास पे चला रखा है ताकि हमारा प्रिंट जो है बीच में कहीं ना रुके और प्रॉपर तरीके से ब्लैक कलर का प्रिंट जो है वो निकल जाए। लेकिन साथ में मैंने एक दूसरा पट्टी भी जोड़ रखा है, मैंने सिंगल ब्लैक नहीं निकाला है, मैंने ब्लैक के साथ में दूसरा कलर को भी ऐड कर दिया है ताकि हमारा जो ब्लैक कलर का प्रिंट है वो प्रॉपर तरीके से निकल जाए। और आप तो जानते हो ये बैकलिट प्रिंट है, लाइट जलने पे सब कुछ दिखेगा। और वैसे यदि हम फ्लैक्स पे भी चलाते हैं तो ब्लैक कलर हमारा प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है। तो मैं आपको बता दूँ, जब आप ब्लैक कलर को प्रिंट करोगे तो आपका ब्लैक जो है किसी किसी मोड पर जो आपका ब्लैक कलर बहुत ही प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से निकल जाता है। तो अभी जो मैं इसको चला रहा हूँ वो फ्लैक्स मोड पर ही चला, जो नॉर्मली जो हम चलाते हैं वो 4 पास पे हम फ्लैक्स चलाते हैं तो उसी मोड पे हम इसको भी निकाल रहे हैं क्योंकि उस पे जो हमारा ब्लैक ज़्यादा रुकता नहीं है। लेकिन जब हम सिंगल ब्लैक निकालते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का प्रिंट करते हैं तो उसमें हमारा ब्लैक कलर रुक जाता है, बहुत ही ज़्यादा रुकता है। कभी कभी तो हमारा क्या होता है कि मान लीजिए कि यदि हमारा 12 फुट का है, 4 फुट का कोई प्रिंट है तो जब हमारा 4 फुट निकल जाता है तो 5वें फुट का जब चलता है तो वहाँ पर ब्लैक कलर रुक जाता है। तो फिर क्या होता है कि वो हमारा जो प्रिंट है वो वेस्ट हो जाता है क्योंकि पार्टी भी उसको नहीं लेता क्योंकि बीच में लाइन से आ जाता है। तो ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा ही ब्लॉकेज करता है। और दूसरी बात ये है, देखा गया कि कभी कभार हमारे मौसम के कारण भी ब्लैक कलर ज़्यादा दिक्कत करता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता क्योंकि ब्लैक कलर तो मेरे मशीन में प्रॉपर तरीके से पूरा ही रुकता है, क्योंकि किसी महीना ऐसा नहीं हुआ जिस महीने में ब्लैक कलर प्रॉपर तरीके से निकला हुआ होगा, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। अभी भी मैं अपना ब्लैक कलर कभी प्रिंट आता है ब्लैक कलर का और यदि मैं उसको चलाता हूँ तो वो ब्लैक कलर प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाता है, कभी 12 पास कभी 16 पास इतने इतने पास पे मुझे करके चलाना पड़ता है। तो जो 6-4 का प्रिंट होता है उसमें ही कम से कम आधे घंटे लग जाते हैं और जो थोड़ा बड़ा होता है उसमें कम से कम 1 घंटे लग जाते हैं। और जितने घंटे में सिर्फ हमारा एक ब्लैक कलर निकलता है उतने में तो मैं कितना प्रिंट ना निकाल दूँ दूसरे कलर का। तो ब्लैक कलर यार ऐसा दे, सभी में ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेज आता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको जो ये मैंने वीडियो दिखाया है अभी आपके एक स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, इस वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने इसके साइड में एक पट्टी जोड़ रखा है, वेस्टेज पट्टी को भी जोड़ रखा है क्योंकि हमारा सिंगल ब्लैक तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि यदि आप सिंगल ब्लैक प्रिंट करोगे तो आपका ब्लैक उसमें बहुत ही ज़्यादा रुकेगा। लेकिन उसके साथ में यदि आप दूसरे कलर का भी कोई प्रिंट जोड़ देते हो या फिर कोई पट्टी लगा देते हो तो आपका ब्लैक कलर प्रॉपर तरीके से निकल सकता है। ऐसा मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि निकल जाएगा क्योंकि हमारा जो ये अभी जो मैं आपको
वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें तो मैंने अपना पूरा प्रॉपर तरीके से जो है बैकलीट को निकाल लिया, कहीं भी हमारा जो है ये ब्लैक कलर नहीं लुका है। और यदि आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो, यदि आपके पास भी कोई ब्लैक कलर का प्रिंट हो तो आप ऐसे ही एक बार ट्राई कर सकते हो। लेकिन यदि आपका ब्लैक कलर मिक्स है, कहने का मतलब उसमें रेड भी है, येलो भी है, शियान भी है और ब्लैक भी है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से फिर निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका चारों कलर एक साथ ही चलता है, कोई सिंगल ब्लैक चलता नहीं है, तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन जब आपका सिंगल ब्लैक चलेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है। तो यदि आपका मशीन पे ब्लैक चल रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है, तब तो और भी अच्छी बात है। और यदि आपने कोई दूसरे तरीके से अपने ब्लैक प्रिंट को निकालते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बस मैं आज की इस वीडियो में यही बताने वाला था कि ब्लैक कलर जो है हर किसी की मशीन में ब्लॉकेज आता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप अपना दिमाग दौड़ाते रहिए। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया था कि मैंने एक पट्टी जोड़ रखा है और उस पर मैंने अपना ब्लैक प्रिंट को पूरे प्रॉपर तरीके से निकाला है, कहीं भी हमारा ब्लैक कलर नहीं रुका है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है हमारा ब्लैक कलर निकल गया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।